हेलो दोस्तों, मैं हूं नीतू। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल जूनियर साइंस पे। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रही हूं क्लासिक्स का साइंस बुक का चैप्टर 3 जो है फैब टू फैब्रिक। तो मैं इस चैप्टर का एक और वीडियो बना चुकी हूं, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर ज़रूर देखें। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में बताई थी फाइबर के बारे में। जो फाइबर है वो दो तरह का रहता है, एक नेचुरल फाइबर जो हमको कहाँ से मिलता है, प्लांट और एनिमल से, और एक रहता है सिंथेटिक फाइबर जो उसको केमिकली सिंथेसाइज किया जाता है, मतलब केमिकली बनाया जाता है ना। तो आज मैं बताऊँगी प्लांट फाइबर के बारे में। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कुछ प्लांट फाइबर जैसे में कॉटन और जूट होते हैं। तो यू नो कॉटन के बारे में तो आप जानते होंगे, हम लोग बहुत सारे ऐसे कॉटन फैब्रिक भी पहनते हैं, कॉटन क्लोथ भी पहनते हैं ना, और कॉटन के बहुत सारे यूज़ हैं। जैसे में यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि कॉटन का यूज़ करते हैं हम लोग लैम्प में, जब कॉटन जब उसका ये बत्ती बनाने में यूज़ करते हैं। फिर अगर हम बात करें पिल्लो भरते हैं उस टाइम भी हम लोग कॉटन का यूज़ करते हैं, जब गद्दा भरते हैं उस टाइम भी कॉटन का यूज़ करते हैं। तो कॉटन का हम लोग बहुत सारे यूज़ करते हैं फैब्रिक बनाने में, क्लोथ बनाने में, है ना, कॉटन क्लोथ। फिर तो अगर आप जब इतने सारे यूज़ देखे होंगे तो आपका माइंड में तो आया होगा ना कि कॉटन आता कहाँ से। चलिए आज मैं बताती हूँ कि कॉटन आया कहाँ से। तो वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम, ये कॉटन वूल कहाँ से आया है। तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि जो कॉटन है ना उसका खेती किया जाता है। कॉटन वूल का क्या किया जाता है, खेती किया जाता है। तो इट ग्रो इन द फील्ड, कॉटन प्लांट आर यूजुअली ग्रो एट प्लेस हैविंग ब्लैक सोइल एंड वार्म क्लाइमेट। ऐसे जगह इसको ग्रो किया जाता है जहाँ पे काली मिट्टी हो और गर्म क्लाइमेट हो। तो आपको इस स्टेट के बारे में आपको खोजना है कि कौन से स्टेट में ब्लैक सोइल रहता है और वार्म क्लाइमेट रहता है। तो अधिकतर हम बात करें इंडिया में तो ज़्यादा करके गुजरात में इसका बहुत ज़्यादा, मतलब ये कॉटन का खेती होता है क्योंकि वहाँ पे ब्लैक सोइल है और वार्म क्लाइमेट है। तो आपको ये बात याद रखना पड़ेगा कि कॉटन का खेती होता है, उसको ग्रो किया जाता है फील्ड में, और ऐसे फील्ड जहाँ पे ब्लैक सोइल हो और वार्म क्लाइमेट हो। तो जो फ्रूट है, द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट, जब कॉटन प्लांट जब बड़ा हो जाता है, जब उसमें फ्रूट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कॉटन बोल्स बोलते हैं ना, आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। ये किसका साइज, जो कॉटन बोल है उसका क्या कितना साइज रहता है, लेमन लाइक साइज, लेमन यू नो कभी आप नींबू देखे होंगे तो उसी का साइज का रहता है। तो आफ्टर मेच्योरिंग, जब यह कॉटन बोल्स मेच्योर हो जाता है तो क्या हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है, मतलब फट जाता है, ओपन हो जाता है, और यह कवर रहता है किससे, इसमें कुछ छोटे छोटे सीड भी रहते हैं और वाइट कलर के आप कभी देखे होंगे फाइबर टाइप, वाइट कलर के फाइबर रहते हैं कॉटन फाइबर, और उसके ऊपर स्मॉल स्मॉल बहुत सारे सीड भी प्रजेंट रहते हैं। तो जैसे मैं देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कॉटन का फील्ड, यू नो यहाँ पर आप देख रहे होंगे। तो ये क्या है जो वाइट वाइट, जो ये देखो ये ब्रस्ट किया गया है ना, ब्रस्ट हो गया इसका फ्रूट, जो बोल है वो ब्रस्ट हो गया है, यहाँ पे वाइट वाइट, यहाँ पे कुछ कुछ यहाँ पे काला काला रहता है जिसको सीड है ना, सीड भी इसमें प्रेजेंट रहता है। तो ये क्या है, कॉटन प्लांट है जहाँ पे इसका खेती किया जा रहा है ना। तो हाउ यू इवर, यहाँ पे क्या होता है, जब आप कॉटन प्लांट को देखते होंगे, कॉटन फील्ड को जब आप देखते होंगे वहाँ पे, तो आपको कैसा दिखता होगा, बिल्कुल ऐसा जहाँ पे पूरा ऐसा लग रहा होगा कि पूरा स्नो भरा हुआ है ना, पूरा कवर है, किससे, स्नो से पूरा कवर है। तो फ्रॉम दिस बोल कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। अब इस मतलब जो वहाँ पे आप देख रहे हो कि कॉटन की जो पूरा कॉटन है वो क्या है, सीड से पूरा भरा हुआ है ना। तो अब कॉटन को बाहर निकालने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग हाथ से उसको बाहर निकालते हैं ना। तो फाइबर आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाय कॉमिंग। अब इस जो कॉटन फाइबर है इसको अलग करने के लिए, मतलब उसमें क्या है, कॉटन में सीड भी है और फाइबर्स भी हैं, तो फाइबर को सीड से अलग करने के लिए कॉमिंग किया जाता है, मतलब उसको कंघी किया जाता है। कंघी करने से क्या होता है, जो सीड है वो बाहर निकल जाता है ना, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, गेनिंग ऑफ कॉटन, क्या बोला जाता है, गेनिंग ऑफ कॉटन, आपको ये याद रखना होगा, गेनिंग ऑफ कॉटन है ना। फिर जो गेनिंग वाज द ट्रेडिशनल डन बाय हैंड, जब गेनिंग जो प्रोसेस था वो बहुत पहले होता था है ना, पहले युग में होता था क्योंकि उस टाइम मशीन नहीं था, और अब के बात करें तो अब तो बहुत सारे टेक्निकल है ना, बहुत सारे मशीन है, तो इसको गेनिंग के लिए हम लोग मशीन का यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे गेनिंग ऑफ कॉटन
आप फिगर में देख रहे होंगे, एक मेन है जो क्या किया है, बहुत बड़ा सा कंघा लिया हुआ है ना, कंघी लिया और इसको क्या कर रहा है, कॉम्बिंग कर रहा है। तो एक कॉम्बिंग करने से क्या होता है, जो कॉटन में जो सीड प्रेजेंट रहता है ना, वो क्या हो जाता है कि जो सीड है वो अलग हो जाता है और फाइबर अलग हो जाता है। तो आई होप कि आपको कॉटन के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैं अगला डिस्कस करती हूँ प्लांट फाइबर जो मेरा है जूट। तो आप लोग जूट से भी अवेयर होंगे, जूट है ना। तो जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। जो जूट के जो जूट से हम लोग जो फाइबर है वो मिलता है हमको कहाँ से, जूट प्लांट से। और जूट प्लांट के कौन से पार्ट से, स्टेम से, है ना, जूट प्लांट के स्टेम पार्ट से मिलता है। तो जूट प्लांट लगाया कब जाता है, तो इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जो जूट प्लांट है उसको कब लगाया जाता है, रेनी सीजन में। इन इंडिया, अगर इंडिया में बात करें तो जूट इज़ मेनली ग्रो इन वेस्ट बंगाल, बिहार, असम। अगर इंडिया का बात करें तो कौन से स्टेट में ज़्यादा करके इसको जूट का ये ग्रो किया जाता है, वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में। तो द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड। जूट प्लांट को कब काट दिया जाता है, फ्लावरिंग स्टेज में, है ना। और इस फ्लावरिंग स्टेज में काट देने के बाद क्या किया जाता है, जो जो इसका स्टेम है उसको इमर्ज्ड किया जाता है, मतलब उसको पानी में डुबोकर रखा जाता है कुछ दिन के लिए। इमर्ज्ड वाटर फ्रॉम अ फ्यू डे, द स्टेम, रूट एंड फाइबर आर सेपरेटेड बाय हैंड। और फिर इसको क्या किया जाता है, जब पानी से निकाल के फिर हाथ के हेल्प से उसको क्या किया जाता है, फाइबर को सेपरेट किया जाता है। तो आप इस फिगर में देख रहे होंगे यहाँ पे जूट का प्लांट है, तो फ्लावरिंग स्टेट में इसको क्या किया जाता है, काट दिया जाता है, इसको पूरा यहाँ पे इसको पानी में डुबो के रख दिया जाता है, फिर इसके स्टेम से क्या किया जाता है, फाइबर को निकाला जाता है ना, बाय हेल्प ऑफ हैंड के मदद से। आई होप कि आपको जूट और कॉटन समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं नेक्स्ट बढ़ती हूँ। यहाँ पे क्या है कि जो द टू मेक फाइबर, ऑल दिस फाइबर आर कवर्ड इनटू अर्न, हाउ इज डन। मतलब जो हम लोग फाइबर बनाते हैं उस सारे फाइबर को किस में सबसे पहले कन्वर्ट किया जाता है, अर्न्स में कन्वर्ट किया जाता है। हाउ इट इज़ डन, ये कैसे होता है, अभी मैं बताई थी ना कि फाइबर, जैसे हमें कॉटन का फाइबर, जूट का फाइबर है ना। तो अब इस जो फाइबर था बहुत ही थीन था, अब इसको अर्न में मतलब धागा में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, आप लोग धागा देखे होंगे तो उसमें कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, ये सबसे पहले क्या लिया है, एक कॉटन का लिया हुआ है ना, जैसे मैं अभी आप देखिए कॉम्बिंग करके क्या कर रहा था, कॉटन को सेपरेट कर रहा था, है ना। तो उसको सबसे पहले क्या लिया, कॉटन को लिया, उसको क्या किया, अपना दोनों हाथ से यहाँ पे पकड़ा हुआ है और इसको ट्विस्ट करते जा रहा है, घिसते जा रहा है और ट्विस्ट करते जा रहा है, और क्या करते जा रहा है, धागा बना रहा है ना। फिर आप यहाँ भी देखे होंगे चरखा की हेल्प से यहाँ पे धागा बनाया जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है, यहाँ पे जो धागा बनाया जाता है ना फाइबर से, उसको क्या बोलते हैं, स्पिनिंग कॉटन अर्न, क्या बोला जाता है, स्पिनिंग। तो यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन अर्न योर सेल्फ, आप कभी ट्राई कर सकते हैं कॉटन बनाने के लिए अपने से, है ना, कॉटन अर्न बनाने के लिए अपने से। जैसे मैं अभी फिगर दिखाई थी ना कि मैं अपने से बना रहा था, तो जो कॉटन बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पिनिंग। तो आपको अगर जानना है कि कॉटन कैसे, कॉटन से हम अर्न कैसे बनाए, कॉटन अर्न कैसे बनाए फाइबर से, तो देखिए यहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ है कि होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। सबसे पहले आपको कॉटन का वूल लेना है, आपको दोनों हाथ से पकड़ना है और उसको थंब और फोर फिंगर के बीच में रखना है। उसके बाद क्या करना है, उसको पुल करना है, मतलब तीरना है, और तीरने के बाद आपको क्या करना है, उसको ट्विस्ट भी करना है, मतलब घुमाते जाना है। फिर आप एबल हो जाओगे मेक अर्न, मतलब धागा बनाने के लिए। तो देखिए मैं फिर से इसको एक बार बताती हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको फोर फिंगर और थंब से अर्न, जो कॉटन वूल था उसको पकड़ना है। पकड़ने के बाद क्या करना है, दोनों हाथ से उसको खींचते जाना है, खींचने के बाद उसको ट्विस्ट भी करते जाना है। इससे आपको क्या मिल जाएगा, अर्न मिल जाएगा, है ना, धागा मिल जाएगा। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, जो प्रोसेस है मेकिंग अर्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। क्या बोलते हैं, स्पिनिंग। जो फाइबर से अर्न बनाने का, मतलब एक कॉटन वूल से धागा बनाने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम फिर जो प्रोसेस था क्या, जो प्रोसेस है
फाइबर से अर्न बनाने का उसको क्या बोला गया है, स्पिनिंग। अब इन दिस प्रोसेस में क्या होता है कि फाइबर फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल, जो कॉटन वूल था उसको क्या किया जाता है, पुल किया जाता है और ट्विस्टेड किया जाता है, मतलब उसको घुमाया जाता है। फिर ये क्या हो जाता है कि जो फाइबर है वो अर्न में चेंज हो जाता है ना, अर्न में चेंज हो जाता है। फिर जो सिंपली अगर बात करें ट्रेडिशनल यूज में, तो इसको हैंड से ही बनाया जाता था, पर अब तो बहुत सारे मशीन भी आ गए हैं। तो ए सिंपल डिवाइस यूज फॉर अ स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल। जैसे मैं अगर बात करें पहले का युग में, तो पहले जो अर्न बनाया जाता था, धागा बनाया जाता था आई थिंक फाइबर से, तो वो हाथ से बनाया जाता था और एक कुछ एक डिवाइस था जो, मतलब देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक डिवाइस है जिसका नाम है टिकली, यू नो देखिए कॉल टिकली बोला गया है यहाँ पे, कि जो ये डिवाइस है उसको क्या बोलते हैं, टिकली, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड अगर अनदर डिवाइस का बात करें, अनदर हैंड ऑपरेट डिवाइस, जो हाथ से बनाने जाने वाला अनदर डिवाइस है वो क्या है, चरखा। ये तो महात्मा गांधी का टाइम में था, है ना। तो क्या है कि यूज ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। जो चरखा का यूज कब किया गया था, महात्मा गांधी का टाइम में, है ना। तो यहाँ पे दो डिवाइस है, जो हाथ का डिवाइस है ना, हाथ से बनाने जाने वाला अर्न, जैसे मैं फर्स्ट बताई एक टकली और दूसरा यहाँ पे चरखा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो चरखा का फिगर, है ना। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि कब, मतलब जो फर्स्ट क्लोथ बनाया गया था चरखा से, खादी था, और इसको कब, मतलब खादी को कब, मतलब यहाँ पे किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 1956 में। और अगर हमको ज़्यादा सारा अर्न बनाना है, ज़्यादा सारा क्या बनाना है, हमको धागा बनाना है, स्पिनिंग ऑफ अर्न ऑन लार्ज स्केल इन डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन, अगर हमको बहुत सारा अर्न बनाना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मशीन्स का यूज़ करना पड़ेगा, है ना। फिर आफ्टर स्पिनिंग अर्न आर यूज्ड फॉर फैब्रिक, जब हम लोग फाइबर से अर्न बनाते हैं ना, एक कॉटन वूल जैसे मैं बताई थी कॉम्बिंग, क्या वो कॉटन वूल को, वो कॉटन वूल से फिर क्या बनाया, अर्न बनाया, है ना, धागा बनाया दो तरह से, फर्स्ट किसका यूज़ करके, एक तो चरखा का यूज़ करके, दूसरा टकली का यूज़ करके, है ना, ये दोनों हैंड मशीन थे। फिर इस दोनों को यूज़ करके क्या बनाया गया, अर्न बनाया गया। अब इस अर्न से फैब्रिक कैसे बनता है, जो हम लोग क्लॉथ पहनते क्लोथ्स को ही फैब्रिक्स बोलते हैं ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि अर्न टू फैब्रिक्स, मतलब धागा से फैब्रिक, तो देयर आर मेनी वे बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम अर्न, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है जिससे हम लोग एक अर्न से फैब्रिक्स बना सकते हैं ना, धागा से क्लोथ बना सकते हैं। द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड नाइटिंग, यहाँ पे अभी दो प्रोसेस है, एक वीविंग एक नाइटिंग, दोनों बुनाई ही बोलते हैं इन लोगों। जैसे मैं यहाँ पे वीविंग का बात करें, तो वीविंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है कि दो सेट ऑफ अर्न को, दो धागों को क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है, इससे फैब्रिक को बनाया जाता है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वीविंग बोला जाता है। वीविंग क्या है, सबसे पहले दो अर्न लेना है, दो धागा लेना है, और उसको क्या करना है, अरेंज करना है एक दूसरे के साथ में, तब क्या बन जाएगा, यहाँ पे फैब्रिक बन जाएगा। यू नो आप कभी चटाई देखे होंगे, तो वहाँ पे भी दो दो अर्न का यूज़ करके चटाई बनाया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे एक एक्टिविटी में पेपर का यूज़ करके बताया गया है, जैसे मैं आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहले दो पेपर लिया गया है, एक रेड कलर का है और एक ग्रीन कलर का है। इस पेपर को क्या किया, कटिंग किया गया है और अरेंज कर दिया है, देखो आप यहाँ पे अरेंज किया गया है ना एक दूसरे के साथ। फिर जब अरेंज कर लिया गया तो फाइनली ये क्या बन गया, फैब्रिक बन गया है ना, एक चटाई के टाइप का। तो एक क्या है, वीविंग है, वीविंग प्रोसेस, यहाँ पे दो अर्न का यूज़ किया जाता है। फिर अगर बात करें नेटिंग का, तो जो अगर जो वीविंग प्रोसेस है ना, उसको हम लोग एक मशीन से भी बना सकते हैं, जो मशीन को बोला गया है लॉम्स, आप यहाँ पे देख सकते होंगे, यहाँ पे एक बड़ा सा मशीन रखा हुआ है ना, इससे भी वीविंग कर सकते हैं, मतलब जो दो अर्न से हम फैब्रिक बना सकते हैं। फिर अगर बात करें नेटिंग का, तो यू नो नेटिंग, अगर कभी नेटिंग भी होता है बुनाई की, अगर आप जब स्वेटर का नेटिंग कभी देखे होंगे, और तो जो स्वेटर जो बुनाया जाता है उस प्रोसेस को नेटिंग बोलते हैं ना।
तो हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर आर नेटेड, कि स्वेटर को कैसे बुना जाता है। तो इन नेटिंग ए सिंगल अर्न, नेटिंग में क्या जाता है कि एक सिंगल अर्न का यूज़ किया जाता है। वीविंग में क्या था, दो अर्न का यूज़ किया जा रहा था और दोनों को अरेंज किया जा रहा था। लेकिन अगर बात करें नेटिंग में, यहाँ पे एक सिंगल अर्न का यूज़ किया जाता है, यूज टू मेक पीस ऑफ फैब्रिक। फिर हाउ यू एवर, मतलब एक सिंगल अर्न का यूज़ किया है, कभी आपने मम्मी अगर स्वेटर वेटर बुनती होगी ना, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो कि कैसे एक अर्न से कैसे उसको बनाया जाता है, जैसे मैं आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो। तो यहाँ पे एक ऐसे मतलब एग्जांपल दिया है कि अगर आप एक सॉक्स ले लो पुराना, उसको अगर आप एक धागा उससे निकाल दो, तो क्या होगा कि कंटिन्यूसली सारे धागा क्या हो जाते हैं, निकलते जाते हैं ना, पूरा बिखर जाता है। तो अगर ये सॉक्स का ही नहीं, अगर जो भी, अगर हम बात करें जो भी क्लोथ्स ले ले, जैसे मैं सॉक्स या फिर मेनी अदर क्लोथ्स ले ले, क्लोथ आइटम ले ले, जो क्या किया गया है, नेटेड किया गया है ना, जिसको बुना गया है, तो यही होता है कि अगर हम उसको एक धागा निकालते हैं तो उसे सारे धागा निकल जाता है। लेकिन अभी के टाइम में बात करें तो क्या हो जाता है, नेटिंग मशीन से किया जाता है और हाथ से भी किया जाता है ना, बुनाई हाथ से भी, और अब तो मशीन भी निकल गया है तो मशीन से भी किया जाता है। आई होप कि आपको नेटिंग और वेविंग समझ में आ गया होगा। वेविंग क्या है, जहाँ पे दो अर्न को अरेंज किया जाता है, दोनों को एक दूसरे से, और क्या बनाया जाता है, फैब्रिक बनाया जाता है। जैसे में आप ज़्यादा करके चटाई उटाई देखते होंगे, उस टाइम वीविंग का प्रोसेस होता है। अगर नेटिंग का बात करें तो स्वेटर या फिर जो भी वुलन क्लोथ्स बनाया जाता है, या फिर एनी क्लोथ जो हम लोग भी पहनते हैं, वो भी नेटिंग के द्वारा ही किया जाता है। तो एक कौन से प्रोसेस हो गया, नेटिंग हो गया। नेटिंग में क्या किया जाता है, एक अर्न का यूज़ किया जाता है ना। तो जो वीविंग एंड नेटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक, जो वीविंग और नेटिंग है वो अलग अलग काइंड्स ऑफ फैब्रिक बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, अलग अलग क्लोथ्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैं हम लोग जितने भी क्लोथ्स पहनते हैं, वो भी क्या है, सिला हुआ है, बुना हुआ है ना। तो एक क्या है कि जो प्रोसेस है वीविंग एंड नेटिंग, वो हम लोग बहुत सारे फैब्रिक बनाने में यूज करते हैं। दिस फैब्रिक आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लोथ आइटम्स, और ये सब फैब्रिक, जो भी फैब्रिक बनाया जाता है उसको हम लोग क्लोथ आइटम का नाम रख सकते हैं ना, कि विंटर क्लोथ हो गया। फिर अगर हम लोग कॉटन से नेटिंग कर ले, कॉटन के कपड़ा, कॉटन के मतलब जो भी कॉटन के फाइबर से अगर हम लोग नेटिंग कर रहे हैं, कॉटन के अर्न से अगर नेटिंग कर रहे हैं, तो ये कॉटन क्लोथ हो गया। मतलब हम लोग हर एक क्लोथ्स का अलग अलग नाम दे देते हैं। तो आई होप कि आपको वेविंग और नेटिंग समझ में आ गया होगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को भी ज़रूर देखिए, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथ मटेरियल, तभी आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आएगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ टेक केयर।